हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हम बेकरी पर जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी कुकीज देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है कि हम कौन सी कुकीज हैं। तो उन्हीं में से एक हम आपके लिए कुकीज की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि है नान खटाई। आज हम देखते हैं कैसे बनाते हैं नान खटाई, जो कि बहुत शुद्ध देसी घी की और बहुत ही डिलीशियस नान खटाई मुँह में घुल जाने वाली। तो बनाते हैं, आइए। नान खटाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले घी चाहिए, पिसी हुई चीनी चाहिए, मैदा 2 कटोरी चाहिए। हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि घी, जितना अपन घी ले रहे हैं उतना ही चीनी और उससे डबल मैदा लेनी है। यदि आपको बेसन की बनानी है, बेसन वाला टेस्ट देना है, तो आप उसका हाफ मैदा और हाफ बेसन भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चीनी और घी को मिक्स करेंगे। अब हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है, उसमें हम सबसे पहले घी मिक्स करेंगे। आप ये घी देखिए, बिल्कुल लिक्विड नहीं होना चाहिए, थोड़ा इस टाइप से होना चाहिए, जिसे बीट करने में काफी फूलता है ऐसे। और इसको ये, इसमें हमने 1 कटोरी घी, पिसी हुई चीनी मिक्स कर दी है। अब इसको हम बीट करेंगे, जब तक ये फूल नहीं जाता तब तक हम इसको ऐसे बीट करते रहेंगे। ये देखिए घी और चीनी हमारी कितनी फूल गए हैं। अब इसमें हम 2 कटोरी मैदा डालेंगे, जो कि मैंने छान ली थी। इसमें आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि चीनी भी और मैदा भी, दोनों चीज़ों को ही छान के मिक्स करनी है। इसमें मैं कोई भी बेकिंग सोडा या और इलायची वगैरह कुछ मिक्स नहीं करूँगी, सिर्फ इसी से ही बैटर हमारा। अब इसको अपन हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसको देखिए इस तरह से आटे की तरह अच्छे से गूंथ लेंगे। और मैं आपको ये माइक्रोवेव में बनाना बता रही हूँ, तो उसके लिए हम अब 5 मिनट के लिए पहले माइक्रोवेव को प्री हीट करेंगे। ट्रे को हमने घी से ग्रीस कर लिया है, और अब हम ऐसे इस तरह से ये नान खटाई के इस तरह से गोल गोल करके और ये सारे ये बना लेंगे। ये मैं आपको माइक्रोवेव में बनाना बता रही हूँ। इसी तरह से यदि आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, तो आप इस तरह से कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कढ़ाई में पहले नीचे नमक रख दीजिए, फिर उसको पहले ढक के 5 मिनट के लिए उसको भी सिम पे करके प्री हीट कर लीजिए। फिर जब वो प्री हीट हो जाए, इसी तरह से उसके ऊपर थाली में या कोई भी जो भी उस पर बिल्कुल फिक्स प्लेट आए, उस पर इनको रख के और ऊपर से ढक के 20 मिनट के लिए आप इससे सेक लीजिए, तो काफ़ी अच्छी बन जाएगी। और टाइम थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है कि 15 मिनट में भी हो जाए, 25 भी लग जाए, तो आप थोड़ा सा चेक करके देख लीजिए। कढ़ाई में भी बहुत ही अच्छी बन जाती है ये। ये देखिए हमारी लोइयाँ बनके तैयार हैं बिल्कुल। और इनको हम ये भी ध्यान रखना है कि इनको बिल्कुल पास पास नहीं रखना है, क्योंकि ये सिक के थोड़ा फूलेंगी तो ये फिर आपस में वो हो जाती हैं। अब हम इनको क्रॉस का निशान लगाएंगे इस तरह से सब में। ये इस मेजरमेंट से हमारे 20 से 25 नान खटाई बन जाएंगी। ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा साइज़ कर रहे हैं। यदि आप छोटा करते हैं तो 30 भी बन जाएंगी। इस तरह से हम इन सब पे क्रॉस का निशान लगा के और प्री हीट किया हुआ माइक्रोवेव में अब इसको बेक करने के लिए रखेंगे। ये माइक्रोवेव हमारा प्री हीट हो चुका है, अब हम इसे 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारी ये 20 मिनट में बिल्कुल सिक के तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी सिक गई हैं, कितनी सॉफ्ट, और देखिए बिल्कुल अंदर से भी बिना बेकिंग पाउडर के इन सब के। तो आप इसको ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।